भारत माता की। क्यों भाई, सोनेपुर वालों की आवाज को क्या हो गया है? मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है या नहीं बनाना है? 400 पार करनी है या नहीं करनी है? ओडिशा में 20 से ज्यादा लोकसभा जीतनी है या नहीं जीतनी है? ओडिशा में पहली बार महाप्रभु के आशीर्वाद से भाजपा सरकार बनानी है या नहीं बनानी है? तो ऐसी आवाज नहीं चलेगी। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, अंत तक सभी लोग हाथ उठाए जरा। ओडिशा में सरकार बनाने के संकल्प की मुट्ठी बींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, जय जगन्नाथ, जय श्री राम, जय जय श्री राम। मंच पर बैठे हुए मेरे लोकसभा और विधानसभा के सारे प्रत्याशी गण, हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय, बैठे हुए भाजपा के सारे नेतागण और सोनेपुर में इतनी बड़ी संख्या में जहां तक नजर पड़े लोग ही लोग दिखाई पड़ रहे हैं, इतनी बड़ी संख्या में आए हुए प्यारे भाइयों बहनों माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को मेरा जय जगन्नाथ। भाई और बहनों, मैं महान ओडिशा की भूमि पर आज पहली बार विधानसभा और लोकसभा के चुनाव के प्रचार के लिए आया हूं। सबसे पहले मैं गुजरात महाप्रभु के धाम से आता हूं और ओडिशा जगन्नाथपुरी में बैठे हुए महाप्रभु जी को प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। भाई और बहनों, मैं यहां पर 64 योगिनी मंदिर को, सुनेश्वरी मंदिर, मेटाकानी मंदिर, माँ समलेश्वरी, माँ पाटनेश्वरी, ये सभी देवी देवताओं को प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। भाई और बहनों, मेरे साथ समय कम है, 5:30 पर मुझे वापिस जाना है। मैं सीधे मुद्दे पर आता हूं। जदि आपणको आम वीडियोटी भल लगिला तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।